आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। स्वच्छता सेवा अभियान की हुई शुरुआत, नगरपालिका अध्यक्ष सहित पार्षदों ने किया बस स्टैंड पर श्रमदान। 17 सितंबर तक होंगे स्वच्छता के लिए अलग अलग आयोजन। प्रदेश शासन द्वारा स्वच्छता की सेवा 2024 अभियान की शुरुआत मंगलवार से की गई, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। अभियान के पहले दिन नगरपालिका अध्यक्ष एवं पार्षदों ने गांधी प्रतिमा बस स्टैंड एवं उसके आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा के निर्देशन में नगरपालिका द्वारा नगर के वार्डों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मंगलवार को नगरपालिका द्वारा कार्यालय की सफाई की गई। नगर के जनप्रतिनिधियों द्वारा गांधी प्रतिमा पर श्रमदान किया एवं स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात 11 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा स्वच्छता ही सेवा शुभारंभ का लाइव प्रसारण एवं दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री द्वारा आवास योजना 2.0 के शुभारंभ का लाइव प्रसारण का कार्यक्रम परिषद हॉल में आयोजित किया गया। जिस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला, सांसद प्रतिनिधि के रूप में रामचरण कुशवाह, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण पटेल, पार्षद गंगा भारती शर्मा, ममता सुधीश वर्मा, अनिल बारे, दुर्गेश परिहार, नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी राजेंद्र शर्मा, कार्यक्रम के नोडल हारून बेग, प्रोग्राम के प्रभारी आशीष सोनी, राजा जोशी, बंटी सिरसाते, जितेंद्र गोहे, राहुल बिरला, संदीप भामोरिया, लखन महकाल, राजू वरखड़े, विकास नरिया एवं अन्य उपस्थित थे। नगरपालिका अध्यक्ष बिरला ने बताया कि स्वच्छता के इस अभियान में आमजन को जोड़कर अपने घर, दुकान, ऑफिस के आसपास स्वच्छता का वातावरण बना रहे, इसके लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं नगर के विभिन्न वार्डो में भी कार्य योजना बनाकर स्वच्छता के लिए अलख जगाई जाएगी। जब हम खुद स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे, तभी अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। आजाद हिंदुस्तान के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।